नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा, आई लव करनाल। और आज हम पहुंचे हैं नीलकंठ के स्टार करनाल ढाबे पे, जिन्होंने अपनी नई ब्रांच यहां पर स्टार्ट की है। इनका पहले भी एक जो ढाबा चल रहा है वो नीलकंठ स्टार ढाबे के नाम से चल रहा है। अब इन्होंने जो नई ब्रांच खोली है अपनी, वो भी करनाल के अंदर ही खोली है और नीलकंठ स्टार करनाल के नाम से खोली है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर इन्होंने डेकोरेट करके यहाँ पर इस नीलकंठ स्टार करनाल ढाबा को जो बनाया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिखने में खूबसूरत और एक अच्छी पार्किंग के साथ इन्होंने यहाँ पर ये बनाया। और लोकेशन इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो हाईवे के ऊपर ही है। पहले इनका जो ढाबा था वो लेफ्ट साइड पे था, अब जिन्होंने ये ढाबा खोला है वो राइट साइड पे खोला है। अब आप देख सकते हैं कि करनाल वालों के लिए एक नई सौगात, नीलकंठ स्टार करनाल के नाम से ढाबा खोला है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ढाबा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ कितना अच्छा यहाँ पर ये ढाबे को बनाया गया है। इस ढाबे की डेकोरेशन की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पर कि कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया यहाँ पर डेकोरेट करके ये ढाबा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर सबवे ओपन शॉर्टली, थोड़ी दिनों में यहाँ पर ये सबवे का ये भी खुलेगा, ब्रिस्टा का यहाँ पर ये खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये सारी शॉप्स यहाँ पर खुली हुई हैं नीलकंठ स्टार करनाल। ये पार्किंग आप देख सकते हैं कि पार्किंग काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। और ये देखिए कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर ढाबा ये बना हुआ है। और आइए आपको अंदर का व्यूज़ दिखाते हैं और अंदर चलकर मैनेजर जो हैं यहाँ पर ढाबे पे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि सबवे ओपन शॉर्टली, सबवे भी यहाँ पर थोड़े दिनों में खुलने वाला है जो यहाँ पर बना हुआ है। बस काट दे, अब चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको सिटिंग दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन जगह बनाई हुई है, काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पर बैठने के लिए और बहुत सारी चेयर्स यहाँ लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी की गई है यहाँ पर, देखिए कि काफ़ी खुला और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नीलकंठ स्टार ढाबा बनाया हुआ है ये। ओपन किया है, पहले हमारी 17-18 ईयर्स पहले से चल रही थी नीलकंठ स्टार, तो उस तरफ दिल्ली टू चंडीगढ़ जाते हैं जब हम, तो अब ये इस तरफ के कस्टमर्स के लिए हमने नई ब्रांच ओपन की। 13 जनवरी को ही ओपन हुई है सर, लोहड़ी वाले दिन, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमें कस्टमर्स का अच्छा प्यार मिल रहा है हमें सर। तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल नीलकंठ स्टार ढाबा है, ये नीलकंठ स्टार करनाल है, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है सर इसमें। और वहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ रूम्स भी हैं सर, रूम्स अभी 6 मंथ्स के बाद हम ओपन कर रहे हैं, तो पार्टी हॉल्स हैं यहाँ पे, बैंक्वेट हॉल भी है, तो वहाँ से मतलब काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो वहाँ पे जो मेनू था और यहाँ का जो मेनू है वो सेम है या वहाँ पे भी कुछ मेन्यू सेम नहीं है सर? मेन्यू यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने ऐड ऑन की हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें पास्ताज हैं, सूप्स हैं हमारे, और तंदूरी स्नैक्स हैं जो हमारे, काफ़ी आइटम्स वहाँ से ऐड ऑन हुई हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो नीलकंठ स्टार ढाबा नया खुला है, यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो फास्ट फूड है उसकी काफ़ी सारी आइटम्स ऐड की गई हैं। वहाँ पर जो दूसरा नीलकंठ स्टार ढाबा था वहाँ पे जो मेन्यू के अंदर आपको फ़ास्ट फूड की आइटम्स कम ही मिलेंगी, जो फ़ास्ट फूड के लवर्स हैं, फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर मेन्यू के अंदर देख कर अपनी आइटम्स को देखें और वहाँ पर ऑर्डर करें। और ये जो आपका ये ढाबा है वहाँ का और यहाँ का स्टाफ, जो कुकिंग स्टाफ है वो सेम है? नहीं नहीं, अलग है सर, सेम वहाँ। तो आपका यहाँ का और वहाँ का टेस्ट में भी कुछ डिफरेंस है या दोनों टेस्ट सेम है? टेस्ट में सर आप ट्राई कर कीजिए तब पता लगेगा आपको, फीडबैक हमारे काफ़ी अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स अभी, तो मेनली तो वहाँ का मतलब वहाँ का और यहाँ का सेम ही रखना मतलब कोशिश हमारी ये है भाई उससे भी इम्प्रूव करें हम, सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव करें हम, तो ये हमारी कोशिश है, बाकी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे एक और, कि वहाँ के जो रेट्स हैं और यहाँ के जो रेट्स हैं
वो सेम है, यहाँ के रेट्स ज़्यादा हैं या कम है या सेम है? सेम है सर, बिल्कुल वहाँ के हर आइटम्स के रेट सेम है। हर आइटम्स के सेम है, बाकी कुछ आइटम्स ऐड ऑन हुए हैं तो वो तो वहाँ पे है ही नहीं, तो वो बाकी आइटम्स के रेट बिल्कुल सेम है। आइए चलते हैं, कुछ कस्टमर के रिव्यूज़ भी लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए कि बहुत ही अच्छी सिटिंग्स यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि खाना इनको कैसा लगा। सर आपका नाम? राजीव। तो आपने खाना खा लिया जी? आई जस्ट फिनिश्ड। अच्छा, तो कैसा खाना लगा आपको? खाना ठीक था, चाय थोड़ी ठंडी थी पर ठीक था। तो आपने ये नीलकंठ स्टार ढाबा जो इनका जो पुराने वाली ब्रांच है वहाँ पे भी खाना पहले खाया है? बहुत बार ही खाया वहाँ, वहाँ से एम्बियंस यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, कोजी फील है, अच्छा बनाया है, अच्छा होटल है। तो ये देखिए कि यहाँ का जो टेस्ट है वो भी कस्टमर का कहना है कि ज़्यादा अच्छा है उस ढाबे से, तो आप सबसे भी यही अपील रहेगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, देखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था।